फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस चैनल व्लॉग सेकंड डे। गुड मॉर्निंग, बहुत देर तो हुई है, मेरी 12:30 बज रहे हैं। नहाकर आई थी, अभी बाल बाल गीले पड़े हैं। खाने के लिए भूख में जा रही हूँ, उससे पहले खाना वाना खा लेती हूँ, पूजा पूजा भी करनी है। चलो फिर भूजे से बोलूँ यार। और आज उठने के बाद भी गालियाँ खाइए ना, क्योंकि टाइमिंग क्या था उठने का, 9 बजे। 9 बजे से उठने के बाद इतना आलसी पना, इतना आलसी पना शायद ही कोई करता होगा। अभी जा रही हूँ फटाफट पूजा करती हूँ। पहले 12:30 बजे किसी की पूजा नहीं होती, दुनिया में मेरी पूजा होती है। आई थिंक दुनिया का ये वो टाइम है जो सबसे आलसी लोगों की लिस्ट में आते रहता है। सपोज 12:25 में जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आई थिंक मैं दुनिया की वो आलसी लड़की हूँ जो सबसे देर से अपना काम निपटाने वालों में से होती है। मतलब जिस समय हम कहते हैं कि जिस समय हम बोलते हैं कि भगवान जी के सोने का टाइम होता है, मैं उनको डिस्टर्ब करने का टाइम करती हूँ। बट कोई बात नहीं, अपनी तो है, कौन सा बाहर के है। हर चीज़ कहते हैं नियम और कानून से करो, कोई बात नहीं, नियम और कानून से चल रही है, लेकिन कभी कभार देर ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी मेरा दोपहर का खाना क्या है, दोपहर का खाना मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों दोपहर का खाना इसलिए कैंसिल होगा, अभी 2 बजे तक अगर मैं नाश्ता कर रही हूँ, 2 बजे तक नाश्ता होता है मेरा, 2 बजे तक कुछ खास नहीं, 2 बजे तक अगर नाश्ता वाश्ता भी कर रही हूँ तो उसके बाद का क्या सीन रहेगा। हो गया खाना पीना। तो वैसे भी आजकल हेल्थ बनाने की कोशिश कर रही थी, हेल्थ बनाने से अच्छा है कि हेल्थ मेरी ज़्यादा गिर जाएगी। लोग कहते हैं मैं मोटी नहीं होती, मोटी नहीं होती, मोटी नहीं होती, अगर इस तरीके से रहूँगी तो दुनिया में फिर मोटी हो जाऊँ, और भी मैं इम्पॉसिबल। धूप बत्ती जला रही थी, जल गई। खाना खा लो। आज सुबह सवेरे जब उठी तो मेरे को पड़ गई डांट, क्योंकि मेरी आदत क्या है, उठने के बाद स्वेटर वेटर तो आराम से बैठ रही यार, क्योंकि मेरी आदत हो जाती है सुबह सवेरे उठती हूँ यार स्वेटर नहीं पहनती हूँ, शॉल लपेट कर घूम रही थी। मेरा शॉल जो कल देखा था, शॉल लपेट कर घूम रही थी, मम्मी ने शॉल छीन कर रख दिया, मम्मी के स्वेटर पहन पहले, बीमार पड़ेगी तब पता चलेगा। खाना भी खा रही हूँ और बातचीत भी कर रही हूँ, पता चला बातों के चक्कर में भूखी रह गई। स्वेटर नहीं पहना जाता यार मेरे से, आप भी खा लो। और मेरा एक सीन ऐसा रहता है कि मैं लाइफ में जब तक सुबह खाना नहीं खा लेती अच्छे से, मेरा पेट नहीं भर पाता, मुझे पराठा सब्जी चाहिए ही चाहिए सभी। आज की सब्जी मैंने ही बनाई है, शुक्र है आज के मौसम में धूप आ गई, नहीं तो अगर आज धूप नहीं आई होती तो मैंने सोचा था आज तो बाय गॉड गई, क्योंकि सुबह से मेरे बाल धोए तो मैंने, एक हफ्ता हो गया था इस बार। तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि एक हफ्ते में जो लड़की 2 बार हेड वॉश करती है, इस बार वन वीक से कर ही नहीं रखा था, तो इतना अजीब सा हो रहा था, ठंड के चक्कर में अक्सर मैं कर ही नहीं रही थी, ठंडा बहुत हो रहा है, लेकिन आज करा। और तजबूत आज धूप भी आ चुकी है, तो मैं खाना ख़त्म करके आती हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ। बाय। अभी तक क्या करी मैं, क्या करूँ मैं, दाल मैंने बन के तैयार हो गई, आटा मैंने लगा लिया था, और बस छौंक लगाने की तैयारी चल रही है, लगाती हूँ। पहले क्या था, मेरे को आटा लगाने की आदत नहीं थी जब छोटी थी, मतलब सेवन एट क्लास में थी, तो आटा लगाने की आदत नहीं होती थी कि लगा लो, आटा लगाने का काम मिल जाता था, मुझे इतना गंदा आता था ना कि, क्योंकि हाथ में सारे गंदे हो जाते थे।
सारे घंटे हो जाते थे, उसके बाद कौन करे कौन ना करे वाली बात हो जाती थी शामिल। बचपन को इतना शौक ही नहीं था, जब 8th क्लास में थी तो खाना बनाना सीखा, लेकिन कोई नहीं, बचपन से मेरे को खास इतना शौक ही नहीं रहा कि खाना बनाना सीखूं ये वो करके, लेकिन जब 8th क्लास में थी तो उसके बाद सीख लिया था खाना बनाना। बस कोई नहीं, अब फिर से आदत बन ही रही है धीरे धीरे, क्योंकि बीच में इतना गंदा खाना बनाने लग गई थी ना। बीच में आवाज आ रही है, मिर्च डालते हैं, बहुत ही तीखा नहीं बनाते हम लोग, मतलब बनाते हैं तो थोड़ा सा लाइटली करके बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा बनाओ तो फिर खाना खाने लायक होता नहीं है, खाली जितना तीखा खाओ उतना ज़्यादा नुकसान होता है, अनहेल्दी चीज़ रहती है। अभी हो गया रेडी तो हो गया, चॉकलेट खा देती हूँ। डाल थोड़ी सी गाड़ी बन, जल गया दाल बनती मेरी और बहुत तरीके से रेडी, और ये चौक भी लग गया इसमें मेरा। अभी इसके अंदर टिकाते हैं, क्योंकि अक्सर मैं क्या होता है खाली पड़े छोड़ देती हूँ, तो फिर मेरे को डांट पड़ती है कि बर्तन इधर उधर खाली पड़े छोड़ दो। आटा ढक दाल में बन के तैयार हो गई, आटा मैंने लगा लिया था और बस छौंक लगाने की तैयारी चल रही है, लगाती हूँ। पहले क्या था, मेरे को आटा लगाने की आदत नहीं होती जब छोटी थी, मतलब सेवन एट क्लास में थी तो आटा लगाने की आदत नहीं होती थी कि लगा लो, आटा लगाने का काम मिल जाता था, मुझे इतना गंदा आता था ना कि क्योंकि हाथ में सारे गंदे हो जाते थे, क्योंकि हाथ इतने सारे गंदे हो जाते थे, उसके बाद कौन करे कौन ना करे वाली बात हो जाती थी शामिल। बचपन को इतना शौक ही नहीं था, जब 8th क्लास में थी तो खाना बनाना सीखा, लेकिन कोई नहीं, बचपन से मेरे को खास इतना शौक ही नहीं रहा कि खाना बनाना सीखूं ये वो करके, लेकिन जब 8th क्लास में थी तो उसके बाद सीख लिया था खाना बनाना। बस कोई नहीं, अब फिर से आदत बन ही रही है धीरे धीरे, क्योंकि बीच में इतना गंदा खाना बनाने लग गई थी ना। आवाज आ रही है, मिर्च डालते हैं, बहुत ही तीखा नहीं बनाते हम लोग, मतलब बनाते हैं तो थोड़ा सा लाइटली करके बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तीखा बनाओ तो फिर खाना खाने लायक होता नहीं, खाली जितना तीखा खाओ उतना ज्यादा नुकसान होता है, अनहेल्दी चीज रहती है। अभी हो गया रेडी तो हो गया, चॉकलेट खा देती हूँ। डाल थोड़ी सी गाड़ी बन, और ये चौक भी लग गया इसमें मेरा। इसके अंदर टिकाते हैं, क्योंकि अक्सर मैं क्या होता है खाली पड़े छोड़ देती हूँ, तो फिर मेरे को डांट पड़ती है कि बर्तन इधर उधर खाली पड़े छोड़ दो।
मेरा तो साथ में एक काम होता है, वो वीडियो शूट का भी रहता है जो मैं पढ़ाई के पर्पस से बनाती हूँ, तो ये मैंने अपना बोर्ड लगा रखा है, इसमें सारे के सारा भी उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा ही दिखाई देगा क्योंकि थोड़ा सा वो मिरर का व्हाटएवर जो भी होता है। तो अभी ये शूट कर रहा था, मैंने टॉपिक दिया था इसमें आचार संहिता, इस वीडियो का लिंक मैं नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर देखना क्योंकि वो काम का टॉपिक है जो पता होना चाहिए, और इसको मैं पूरा शूट कर लेती हूँ, फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। छप जाते हैं तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते, खाली बोर्ड खराब हो जाता है यार। था बाल बांध लिए क्योंकि जो खुले बाल थे ना बहुत ज्यादा ना चिपचिपे, जैसे चिपचिपे क्या अजीब जो रहता है यार, उनको बांध लिए, बाल पैक करके रख दिए। चाय दोपहर के 2 बज रहे हैं और 2 बजे के टाइम पे होता है चाय पीना, कोई बात नहीं। इतना क्या ठंडा पड़ रहा है यार। कोई थी तो बार उठ के बाहर आ गई, थोड़ा सा नींद भी पूरी नहीं हो पाई आज, ऐसा था कि कुछ दिनों बाद है कि मतलब थोड़ा सा सो गई हूँ, चाय का ग्लास ना रख कर गई थी, और फिर मतलब यहाँ से थोड़ी देर पहले जब गई तो चाय का गिलास रखा था कि सोचा चाय वाय मतलब पी लेती हूँ, चाय वाय ख़त्म हो गई। उसके बाद का सीन था कि यहाँ से मतलब घूम घूम कर काम करना पड़ रहा सारा के सारा, इसको मैं काम चल रहा है। अभी यहाँ से पीछे के साइड को जिस टाइम पर बाहर खड़ी थी, पता नहीं कौन खड़ा था, कौन था कौन नहीं था, बिना मतलब का पता नहीं लोगों की आदत होती है कमेंट करने की, क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता है, इस चक्कर में मैं गुस्से में आके अंदर चली गई थी। मैंने कहा चलो छोड़ो देखो कुछ नहीं बोलना है अपना। वो वहाँ यहाँ से क्या सीन था कि मैं मतलब यहाँ पर घूम रही थी और वो वहाँ को गया था, बस पीछे की साइड को मतलब वो पीछे की साइड को तक खड़ी थी, यहाँ से अंदर जा रही हूँ बाहर आई थी देखने के लिए कि बाहर का सीन नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। आंखें देखो उसकी दर्द कर रही है, कल को मैं बोल रही थी कल पूरे दिन नींद नहीं आई, लेकिन आज क्या नींद आ रही है, वापस जा रही हूँ सो जाती हूँ जाके। आज सीन क्या बैठा कि मतलब जब वीडियो शूट कर रही थी तो अचानक से क्या हुआ, मेरा फोन गिर गया, और उस टाइम पे ना हार्ट बीट ऐसी जो थी ना बिल्कुल एकदम थम गई कि अब शायद ये गया ना हो। उसके बाद उसका स्पीकर चेक करा, लेकिन टच वुड कि वो अभी ठीक है, ये बेचारा काम वाम चल रहा है इससे, क्योंकि अगर आज ये ख़राब हो जाता तो एटलीस्ट जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वो मेरा ऑफ हो जाता, और कुछ बात की वजह से मूड आज थोड़ा सा वैसे अपसेट है, पता नहीं वो चलता रहता है मेरी लाइफ में ऊपर नीचे अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ वो बातें ऐसी मिलती ही रहती है जिसको लेके मूड थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है, बट कोई नहीं। तो ये मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का था, तो मैं मिलती हूँ आपसे 11 तारीख को। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नींद बहुत आ रही है, सोने जा रही हूँ, गुड नाइट।